कई राज्यों में मौसम विभाग का हाई अलर्ट, कहीं भारी बारिश तो कहीं आंधी तूफान समेत बिजली गिरने की चेतावनी। देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफी दिनों से लगातार मौसम खराब रहने के कारण काम धंधे पर भी असर पड़ा है। अब IMD ने 23 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 19-23 अगस्त को उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और 21-23 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश से लेकर काफी व्यापक वर्षा, आंधी और बिजली गिरने के साथ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं 19-23 अगस्त के दौरान असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अनुमान है और 19-23 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर काफी व्यापक बारिश होने का अनुमान है और आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। उत्तर प्रदेश में बरसते रहेंगे बादल। उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक देखी जा सकेगी। मौसम विभाग ने 7 दिनों के पूर्वानुमान में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, रायबरेली, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ और संतरविदास नगर में भारी से अति भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट अगले 24 घंटों में बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, कौशाम्बी, मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। अमेठी, बांदा, चंदौली, आजमगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, गाजीपुर, मऊ, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संतरविदास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मुरादाबाद, संबल, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, बाराबंकी, कौशाम्बी, फतेहपुर, लखनऊ, इटावा, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी, रायबरेली, शाहजहापुर, बरेली, पीलीभीत और इसके आसपास के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 60-70 की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश में शिथिल पड़ा मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। इसके चलते अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में भी शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश का यह दौर अभी जारी रहने की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को भी जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं रुक कर वर्षा होगी। राजस्थान में मॉनसून फिर लौट रहा है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट कहता है 19 अगस्त से 22 अगस्त तक यानी कि 4 दिन राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं से मध्यम बारिश होने की संभावना है, यानी कि 5 संभाग के 25 जिलों में कुछ स्थानों पर मॉनसून की वजह से बारिश होगी। हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में 21-22 अगस्त को भी जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में दिनांक 21 अगस्त को छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा में भारी बारिश हो सकती है। इसी वजह से इन जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार के 5 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी वजह से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, पटना, बक्सर, सारण, सिवान, औरंगाबाद, कैमूर, गया, नालंदा और नवाडी समेत अन्य जिलों में 19 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में 22 अगस्त को भारी बारिश होगी। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें QMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।